कोई मकान बना होता है तो उसकी नींव की चर्चा लोग नहीं करते हैं, मंजिल की करते हैं, बुर्ज की करते हैं। सबसे ऊंचाई पर जो बना होता है, जो दूर से लौकता है, उसकी चर्चा करते हैं। मकान के नींव की चर्चा कोई नहीं करता है। लेकिन ये सबको पता है कि अगर नींव कमज़ोर है तो ये जो सुंदर सा दिखने वाला भवन है ये बहरा जाएगा। बुद्ध, महावीर, कपिल, कणाद, जैमिनी, बादरायण, पतंजलि, शंकराचार्य, कबीर, नानक, दादू, ये सब इस देश की नींव हैं। ये बहुत मजबूत है ये देश वैचारिक रूप से। इसीलिए जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है, उसमें थोड़ी हिंसा होती है, थोड़ा उपद्रव होता है, तो हम सबका मन जो है कांपने सा लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। 2 महीने पहले का मुझे याद है, एक दिन सुबह सुबह कटियार जी कहे, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, क्या होगा साहब, रूस यूक्रेन पर विजय पाए या कुछ भी हो, कटियार जी को क्या नुकसान है, उन्हें क्या फायदा है। लेकिन संवेदना है, मन में संवेदना है, भय है। उस संवेदना कहाँ से आ गई? इतने जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो चिंतन था, उनकी जो सेंसिटिविटी है, वो लुप्त तो नहीं हो गई, वो ख़त्म नहीं हो गई, वो है कहीं ना कहीं भीतर। जैसे पिता एक पुत्र को जन्म देता है, पुत्र में पिता का कुछ अंश रहता है और वह अंश पुत्र में सुरक्षित रहता है और पिता का शरीर छूट जाता है। पिता का शरीर भले चला गया हो, लेकिन उसका अंश प्रकृति ने उसके पुत्र में रखा हुआ है, अब वो आगे चला जाएगा। तो ये जो विचार हैं ये मरते नहीं हैं, संवेदना है वो शून्य नहीं होती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसीलिए हम थोड़े से यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई कितनी दूर से, कोई कितने नज़दीक से आया है, तो इस अवसर पर हमारा बोलना, हमारा चिंतन स्वाभाविक है, बुद्ध से प्रेरित है। एक छोटा सा सूत्र है, उसे मैं कहूँगा और ज़्यादा नहीं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखम मनवेति चक्कम वा वहतो पदम। और इसी का एक जोड़ा है और है हिस्सा, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखम ततो न सुखम मनवेति छाया वा अनपायनी। ऐसा विचारकों का मत है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जितना मन पर कहा, उतना उन्होंने आत्मा पर भी नहीं कहा। जैसे कबीर साहब हैं, कबीर साहब की पुस्तक में अगर कोई पूछे कि उनका प्रमुख गुण क्या है, तो आत्मा पर उनका जो जोर है, कर्म फल पर उनका जो जोर है वह है, और बीजक का जो पहला अक्षर आता है वह है आत्मा ही है।
अंतर ज्योति। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति इनर लाइट आत्मज्ञान, शब्द वर्ड्स नारी, नारी मतलब कल्पना शक्ति। किसी व्यक्ति में कल्पना शक्ति हो और उसमें शब्द हो, इसका मतलब है कि वह आत्मज्ञान से प्रकाशित है। अगर आत्मज्ञान ना हो, आत्मा ना हो, तो शब्द नहीं निकलेंगे और कल्पना काम नहीं करेगी। तो कबीर साहब ने अंतर ज्योति पर जोर दिया, इसलिए बीजक का जो पहला शब्द है वो यही है, अंतर ज्योति। जो हमारे वेदों के जो संत हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, उनके समय में उन्होंने अग्नि को बहुत महत्व दिया था। तो जो वेदों का प्रारंभ है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि से संबंधित है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम। वेदों के, ऋग्वेद के कई संस्करण हैं और सभी वेदों में सब ये दार्शनिक और विचारक भी कहते हैं कि बुद्ध पहले साइकोलॉजिस्ट हैं। बुद्ध पहले ऐसे विचारक हैं जिनको आप मनोचिकित्सक कह सकते हैं। बुद्ध से किसी ने कहा, क्या आप दार्शनिक हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं दार्शनिक नहीं हूँ, दर्शन से मेरा बहुत वास्ता नहीं है, मैं तो वैद हूँ। वैद काहे का वैद? मन का वैद। आदमी अपने अपने मन के रोगों से परेशान है, मैं सिर्फ उसको उसके मन के रोगों से मुक्ति दिलाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो मन पर ही बुद्ध का पूरा जोर है। मनो पुबंगमा, पुबंगमा मतलब पूर्वगामी, पूर्वगामी गमन, आगे आगे चलने वाला, मन आगे आगे चलने वाला है। आप यहाँ आए हैं, पहले आपका मन आया, तब मुखिया, राजा, अगुआ। मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा, सेठा श्रेष्ठ, आपने नाम में सुना होगा सेठ, अमुक सेठ। यह संस्कृत का श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ को साधारण लोग सेठ कहते हैं। और फिर हमने कहना शुरू किया, जिसके पास ज़्यादा धन हो, ज़्यादा पैसा हो, वो सेठ। शब्द कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? संस्कृत का श्रेष्ठ शब्द बनियों के यहाँ जाकर के सेठ बन गया। बस आचरण में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, वो चीज़ें चली गईं। हमने अब सेठ उसको कह दिया है जिसके पास पैसे ज़्यादा हों। बुद्ध कहते हैं मन श्रेष्ठ है, मनोसेठा, मन तुम्हारा श्रेष्ठ है। क्यों? मनोश्रेष्ठा मनोमय, क्योंकि सब कुछ, जो कुछ भी आदमी करता है वो सब मनोमय होता है। इसलिए मन अगुआ है, मन राजा है, मन के पीछे पीछे शरीर चलता है, मन के पीछे पीछे इंद्रियां चलती हैं। डॉक्टर लगातार एक कोशिश में हैं, वो लोग जो जिनकी प्रवृत्ति बड़ी क्रोधी है और जिनमें बड़ा लालच है, डॉक्टर लगातार कोशिश में हैं कि क्या किसी ऐसी औषधि से इनके मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है कि इनका क्रोध कम हो जाए, इनका लोभ कम हो जाए, इनके मन की इच्छा कम हो जाए। जैसे कोई आदमी है, वो बहुत क्रोधी है, बहुत झुंझलाता है और बड़े खास पद पर है, वो जिनसे व्यवहार लेता है उनको भी वो उद्वेगित कर देता है। डॉक्टर लगातार इस कोशिश में हैं कि क्या कोई ऐसी दवा है
कि दवा को इस आदमी को खिला दें और उसकी झुंझलाहट खत्म हो जाए, उसका क्रोध खत्म हो जाए। ऐसी दवा नहीं मिल पा रही है उनको। जो दवा मिल पा रही है वो ऐसी दवा मिल पा रही है कि दवा दे देते हैं तो उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे कोई आदमी बहुत सोचता हो, सोचते सोचते पागलपन तक पहुंच जाए और आप मनोविश्लेषक के पास जाएं और इलाज करवाने के लिए, तो एक ऐसी दवा देगा, कहेगा इसको खा लो सोते समय तो तुम गहरा सोगे, जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा सोचना कम हो जाएगा, तुम्हारा विचार तो फिर उसमें सब कुछ कम हो जाता है, उसका चलना, उसका फिरना, उसका भोजन, उसका उठना सब कम हो जाता है। विज्ञान अभी भी ऐसी कोई औषधि को नहीं खोज पाया है कि जिस चीज़ के लिए दो उसी पर काम करे। कोई क्रोधी है, बड़ा गुस्सैल है, दवा निकाला खा लिया गुस्सा शांत। कोई है बड़ा हिंसक है, दवा खा लिया हिंसा खत्म, बाकी सब कुछ ठीक रहे। वो लगातार इस कोशिश में हैं, अभी तक नहीं है। अध्यात्म ही एक ऐसी दवा है, अध्यात्म ही एक ऐसा दवा खाना है जो मन को ठीक कर सकता है। बाकी अगर उलझा हुआ मन है और उलझा हुआ चित्त है तो कितने थाने बना लो, कितने न्यायालय खड़े कर लो, कितनी पुलिस व्यवस्था कर लो और कितना जेल बना लो, वो सब कुछ चलता रहेगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत बढ़िया है, अमेरिका की कुल आबादी है 35 करोड़, अमेरिका की कुल आबादी है 35 करोड़, हिंदुस्तान की आबादी है 1 अरब 35 करोड़, अमेरिका की कुल आबादी है 35 करोड़, बस इतने में वो राजा बना है। इतने तो हमारे यहाँ सड़कों पे भीख मांगते हैं। जितने लोग अमेरिका की कुल आबादी में हैं उतने तो हिंदुस्तान में बेघर घूमते रहते हैं, और 35 करोड़ की आबादी में 15% लोग उनके यहाँ जेलों में बंद हैं। सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में अगर कहीं जेलों में बंद हैं तो अमेरिका में। वहाँ का एक नियम है, अगर कोई आदमी लगातार 3 गलतियाँ करते हुए पकड़ा गया, तीसरी गलती भी अगर उसने की, पहली गलती किया जेल से छूटा, दूसरी गलती किया जेल से छूटा, तीसरी गलती अगर करते हुए फिर पकड़ा गया, तो अब उसको बाकी का जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा, बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। ये उनके यहाँ नियम है, इसलिए उनके यहाँ जेलें भरी हुई हैं, खचाखच नई नई जेलें बन रही हैं। और हम कहते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, सबसे बढ़िया मुल्क है, सबसे ऑर्डर्ड सोसाइटी वही है, और भारत में तो जो दर है जेल में जाने की वो बहुत कम है। वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ का कानून ऐसा है, कानून इतना ढीला है कि यहाँ लोग गलती करके भी सड़कों पे घूमते रहते हैं। कितनी भी व्यवस्था दे दो पुलिस की प्रशासन की, अगर मन आदमी का ठीक नहीं है तो वो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा। बुद्ध ने मन पर जोर दिया, मन अगर ठीक कर लो मन ही राजा है। बुद्ध ने कहा अगर मन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, दुख तुम्हारे पीछे ततो एनम, यह है दुखम अनवेति, दुख पीछे पीछे लगे रहेंगे। कैसे, चक्को वा वह तो पदम, जैसे चक्के हैं बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे, जैसे गाड़ी के पहिए चलते हैं और बैल थोड़ा भी असावधान हो तो उसके पैर से उसके खुर से टकरा करके खून निकलने लगता है, वैसे अगर तुम गलत मन से काम करोगे, गलत मन से सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख आने ही आने हैं, वो लगे हैं। कैसे लगे हैं, उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे पीछे गाड़ी के चक्के चलते हैं और बैल असावधान हुआ
उसकी चक्के टकराए और बैल के खुर चोटिल। इसके विपरीत बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं, मन पुरोगामी है, आगे आगे चलता है, मन राजा है, और चूंकि सारे कर्म मनोमय हैं, इसलिए अगर तुम अपने मन को प्रसन्न भाव से रखते हो, मन को प्रसन्न रखते हो, तब क्या होगा, सुख तुम्हारे पीछे ऐसे चलेंगे जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चलती हो। छाया चलती हो, छाया का भार समझ में आता है? आप प्रकाश की तरफ चलें, सूरज की तरफ आप चलें, तो आपके शरीर की एक छाया बनेगी, एक प्रतिबिंब बनेगा, और उसका बोझ आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ मेरी छाया चल रही है, उसका कोई बोझ नहीं है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपना मन अच्छा रख कर के जियोगे और करोगे तो तुम्हारे साथ सुख ऐसे लग जाएंगे जैसे तुम्हारी छाया। बूढ़े लोगों को देखें कभी, हम तो खुद ही बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अपना तो दिखता नहीं है कुछ। अगर आदमी के सामने से शीशा हटा दो और 10 साल तक उसको अपना चेहरा देखने में ना आए, तो जान ही नहीं पाएगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, शरीर बूढ़ा हो रहा है। अपने को देखना तो मुश्किल होता है, लेकिन कभी आप सड़कों से गुजरते हुए लोगों को देखें, गर्दनें झुक जाती हैं, कंधे गिर जाते हैं, कमर टेढ़ी सी हो जाती है, कदम लड़खड़ाने से लगते हैं, हाथ कांपने से लगते हैं, जब बोलते हैं तो सामने वाले के मुंह पर थूक की छींटे जाती हैं, उनका बोलना अनियंत्रित होता है। पहली चीज, बुढ़ापे का जो सबसे पहला लक्षण है वह सोचना अनियंत्रित होता है, वो बोलते कुछ हैं निकलता कुछ है। और एक दिन वो लोभ और लालच और मोह और पीड़ा से जकड़ा हुआ मरता है। ये बात समझ में आती है कुछ? कोई आदमी घर से साफ सुथरे कपड़े पहन करके निकले यात्रा पर, और जैसे कुछ दिनों में उसे कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं, वैसे उसका मन हो जाता है, वैसे उसकी आत्मा हो जाती है। और तुम कह रहे हो हम धर्म की तलाश में हैं, हम परमात्मा की तलाश में, हम ईश्वर की तलाश में हैं, झूठ नहीं लगता है? मन उतना ही मोही। एक साधु हैं हरिद्वार में, बड़े साधु हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, भारत में जितने अखाड़े हैं उन अखाड़ों के वो अध्यक्ष हैं। उम्र उनकी 75-80 से कम तो नहीं होगी। और जानते क्या करते हैं, बहुत छोटी चीज़ है, पाप नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या करते हैं। जब आएंगे तो दाढ़ी उनकी रंगी हुई होती है, डाई करके आते हैं, 75 से ऊपर होंगे, तेज आदमी हैं, राजनीति में होंगे, तभी वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, नेता हों, राजनेता हों, प्रधानमंत्री हों, सब उनसे मिलते हैं। मैं सोचा करता हूँ, उनकी फ़ोटो देखता हूँ, इतने साधु हैं, कोई नहीं कहता है कि तुम दाढ़ी रंग करके आओगे तो तुमको हम अध्यक्ष नहीं मानेंगे, कोई नहीं कहता। यह तो आदमी इतना खुर्राट हुआ कि मानता नहीं होगा। दाढ़ी बढ़ाना कोई पाप, दाढ़ी रंगना कोई पाप नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चलने के लिए कटे कमर में जोश भरे हो, उसमें दाढ़ी रंगने का नियम नहीं है भाई। और साधु के लिए सफ़ेद दाढ़ी सुंदर लगती है। रामदेव दुनिया को सिखाते हैं कि बाल काले करो, बाल काले करो, उनके बाल उजले हो रहे हैं, वो स्वीकारते हैं। तो कोई दाढ़ी ना रंगाए तो साधु हो गया, दाढ़ी रंगा ले तो साधु नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन छोटी सी बात मैंने कही कि अगर अभी इस रास्ते पर चलने के लिए हमने सोचा और अभी हम
कुछ इस ढंग से जी रहे हैं। क्या नाम है, एक अवधेशानंद जी महाराज करके हरिद्वार में एक और संत हैं, जैसे बंदूकें होती हैं ना, तो बंदूक नहीं है वो, क्या है वो तोप हैं। अवधेशानंद जी तोप हैं, मतलब इतने बड़े संत हैं। जब वो प्रवचन के लिए आएंगे तो उनके चेहरे पर एक बाल नहीं होगा, एकदम चमकता हुआ चेहरा होगा, लाल कपड़े होंगे एकदम बढ़िया, माथे पे तिलक होगा, और सबसे ऊपर उनकी रुद्राक्ष एक माला सोने की मढ़ी हुई होती है। मैं सोचता हूँ सोने की माला इनको कौन पहनाता होगा, खुद ही पहनते होंगे रोज, खुद ही पहनते होंगे, खुद ही बाल बनाते होंगे। अब बोलने का टाइम है, अब जाना है, जरा थोड़ा सज लें, समर लें। ये सिर्फ एक चीज दिखाता है कि हाउ कॉन्शियस यू आर फॉर योर लुक, अपने चेहरे को संवारने के लिए तुम कितना उत्सुक हो, कितने इसके लिए सावधान हो। इसका मतलब है मूल चीज कहीं छूटी जा रही है। इसका सिर्फ इतना ही संकेत है और कोई संकेत नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, क्यों गलत कर रहे हैं, हमारी दाढ़ी बढ़ जाती है तो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ इसका इतना ही संकेत है कि जो चीज़ भाई करने वाली थी, जो करने लायक थी, वो चीज़ कहीं किनारे रह जा रही है, तुम कुछ और घोटाले में पड़े जा रहे हो। लेकिन चूंकि तुम स्वयं धर्म के मुखिया हो तो तुम्हें कौन कहेगा कि हुजूर ये गलत हो रहा है। इसीलिए बुद्ध जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, इनकी चर्चा करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इन लोगों ने लुक पर ध्यान नहीं दिया था, कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया था। इन लोगों के भीतर एक आत्मा थी जो ज्योति थी, जो चमकती थी, और लोग खींचे चले आते थे सुनने के लिए, देखने के लिए। कपड़े देखते थे क्या, चेहरा देखते थे क्या उनका? नहीं। लेकिन जिनके भीतर में खालीपन है, जिनके भीतर में अंधेरापन है, वो उसको भरने के लिए, उसको छिपाने के लिए बाहर का आवरण एकदम चमकीला बना देते हैं। जीवन जो लोग खेल में जीवन जीते हैं, अंत में उनको मुंह की खानी पड़ती है। और अगर हम दुखी होकर के, पीड़ित होकर के बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको अपना गियर बदलने की ज़रूरत है। गियर कैसे बदलते हैं? जब आप गाड़ी चलाते हैं और समतल रोड है, साधारण है, उसमें कोई ऊंचाई निचाई नहीं है, तो आप किसी भी गियर पे चलाएं गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर आपको ऊंचाई पे चलाना है, ऊंचे उठना है, तो आपको गियर बढ़ाना पड़ेगा, एक नंबर पर लाना पड़ेगा, तब गाड़ी ऊपर उठेगी। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़े, ये जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने लिए ही बोलता हूं। इसको मैं कई बार महसूस करता हूं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए है। और अधिकतम उदाहरण मैं साधुओं के दिया करता हूँ क्योंकि हमारे वही आदर्श हैं। आप जब बात करेंगे तो फिल्मों के लोगों की बात कर सकते हैं, राजनेताओं की बात कर सकते हैं, वो चूँकि वो हमारे आदर्श नहीं हैं, हमें वैसा नहीं बनना है, हमारी लाइन तो यही है। इसलिए हमें अपने संतों के जो दोष हैं दिख जाते हैं। एक बार रामदेव जी से किसी ने पूछा, आप संतों के बारे में नहीं बोला करते हैं? रामदेव जी ने कहा, मैंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही निर्णय ले लिया था कि मैं संतों पर कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर दुकानदारी करनी है तो यह निर्णय बहुत सही है कि तुम हमें मत बोलना, हम तुम्हें नहीं बोलेंगे, बराबर की बात। चाहे तुम दाढ़ी रंगा करके आओ, चाहे दाढ़ी बना करके आओ, हमारे मंच पर बैठना, ना तुम हमको बोलना ना हम तुम्हें बोलेंगे। मैं वैसा नहीं करता हूँ, चूंकि हमें दुकान, हमारे गुरु ने दुकान नहीं चलाई, उन्होंने जिया, वो पेशेवर नहीं थे।
लेकिन संतों की चर्चा इसलिए कर देते हैं कि थोड़ा सा देखें, जो धर्म की दुकान चलाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, वो कितने कितने उथले में हम जीते हैं, और जो उथले में जीता है वो जीवन से रोते रोते विदा लेता है। बुद्ध एक साधारण साधु की तरह सड़क के किनारे शरीर छोड़े थे। किसमें हिम्मत है कि सड़क के किनारे तुम चले जाओ और शरीर छोड़ दो। शिष्यों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, ऊंचा सिंहासन इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर गुरु का शरीर छूटता है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं और सिर झुकाते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तब आप बड़े भले फांसी पर लटक के मरे हों लेकिन तब आप बड़े संत माने जाएंगे। बुद्ध जैसा आदमी सड़क के किनारे मर गया, चेला उनका उसी उम्र का था आनंद, उसने सोचा मैं क्या करूं, गुरु की लाश को इकट्ठा सुरक्षित रखूं कि बताने जाऊं लोगों को, और एक शाल वृक्ष के नीचे शरीर छूटा। बहुत साहस चाहिए। कबीर पूरा जीवन रहे काशी में, चले गए मगहर, बहुत हिम्मत चाहिए। आप एक घर बनाएं दो कमरे का, आपके बच्चे कहें बाबू ये घर छोड़ करके चले जाओ, आप जिससे मिलोगे दुनिया में सबसे रोओगे। हमारा बच्चा हमें घर से निकाल दिया, हमारा भैया वो तो काशी छोड़ के चले गए, पूरा का पूरा शहर छोड़ दिया, कितनी हिम्मत चाहिए होती है। और धर्म में जो लंगड़े या पंगुले लोग बैठे हुए हैं, इनको आपने सब कुछ मान लिया है, ये खुद ही बैसाखी लिए घूमते रहते हैं, ये आपको चलना दौड़ना सिखाएंगे क्या? इसीलिए हम ये बुद्ध जयंती और कबीर जयंती मनाते हैं, इसीलिए हम इन संतों को याद करते हैं कि इनके जैसी समझ, इनके जैसी संवेदना, इनके जैसी चेतना का थोड़ा सा हिस्सा हमारे जीवन में आए तो शायद हम अपने अंधकार से मुक्ति पा सकें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।